फरियाद करती रह गई, लेकिन न जमाना उनके लिए रुका और न ही कम वक्त वो वक्त। वक्त ने तो इतनी भी मोहलत नहीं दी कि जिन अरमानों से पाकीज़ा बनाई थी उसे जी भरकर देख भी सके, जमाने के साथ पाकीज़ा के दर्शन में शरीक हो सके। आखिर 14 साल बाद पाकीज़ा का ख्वाब पूरा हुआ था। पर्दे पर मीना कुमारी की जिस अदाकारी को देख जमाना दीवाना हो गया, इसे निभाने में मीना कुमारी की जान निकल गई थी। डायलॉग बोलने के दौरान वो हांफने लगती, डांस के दौरान ब्रश आकर गिर जाती, लेकिन वादा था फिल्म पूरी करने का तो उसे आखिरी सांस तक निभाया। फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई तो मीना कुमारी ने सुकून की सांस ली। पाकीज़ा ठीक वैसे ही पर्दे पर आई जैसे मीना कुमारी ने सोचा था। पाकीज़ा के निर्देशक और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही इस फिल्म के जरिए दुनिया को अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते थे। कमाल अमरोही अपने दौर की सबसे बड़ी फिल्म बनाकर ये साबित करना चाहते थे कि उनकी मीना कुमारी अनारकली से भी ज्यादा खूबसूरत है। मीना कुमारी ने भी अपने महबूब के ख्वाब को पूरी तरजीह दी और 60 के दशक में अपने 40 लाख फिल्म में लगा दिए। लेकिन शूटिंग के दौरान कमाल के साथ ऐसी अनबन हुई कि दोनों की मोहब्बत के साथ पाकीज़ा का वजूद भी खतरे में पड़ गया। चलो 10 साल तक पाकीज़ा अधर में लटकी रही। तब मीना कुमारी कमाल अमरोही से तलाक लेकर अलग बंगले में रहने लगी थी। अपनी पहली मोहब्बत से मिली रुसवाई के बाद शराब में डूब चुकी थी। लेकिन पाकीज़ा के किरदार साहिब डान से मीना कुमारी को भी कम मोहब्बत नहीं थी। ये 1967 की बात है। कमाल अमरोही के कहने पर सुनील दत्त और नरगिस मीना कुमारी को समझाने गए कि इस शानदार फिल्म को पूरा करने में मदद करें। तब मीना कुमारी ने कहा, मैं तो कब का कह चुकी हूँ पाकीज़ा के लिए मेहनताना सिर्फ एक अशर्फी लूंगी, बाकी इसके बाद क्या कहना चाहती थी मीना कुमारी किसी को नहीं पता चला। साहिब डान को पर्दे पर जिंदा करने के लिए मीना कुमारी ने जिंदगी की मिली तमाम जलालतें भुला दी। शक्ति मिजाज शौहर कमाल अमरोही के तमाम सितम भुला दिए। इस बार फिल्म की शूटिंग कलर फॉर्मेट में शुरू हुई। खुद मीना कुमारी भी यही चाहती थी, वरना कमाल अमरोही से अलगाव के पहले ही फिल्म का यह मशहूर गाना लाखों का सेट लगाकर ब्लैक एंड व्हाइट में पहले ही शूट हो चुका था। लेकिन मीना कुमारी को ये ब्लैक एंड व्हाइट गाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पाकीज़ा जैसी फिल्म को तो रंगीन दिखना चाहिए। ये बात कमाल अमरोही ने भी फौरन मान ली। पाकीज़ा का ये गाना जब ब्लैक एंड व्हाइट में शुरू हुआ था तब मीना कुमारी की उम्र करीब 25 साल थी। लेकिन फिल्म जब कलर फॉर्मेट में शुरू होने लगी तब मीना कुमारी 35 की उम्र छू चुकी थी। हालांकि फिल्मी पर्दे पर 10 साल की उम्र का फासला पाटना मुश्किल नहीं, लेकिन मीना कुमारी की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। 10 साल तक लगातार शराब की लत ने चेहरे की सारी चमक बर्बाद कर दी थी। मीना कुमारी और साहिब जान के कैरेक्टर में कोई मैच नहीं रह गया था। लेकिन सबकी जिद ये थी कि पाकीज़ा तो बनकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए मीना कुमारी के हमशक्ल का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। मीना कुमारी से सलाह मशवरे के बाद ये तय हो गया कि फिल्म में उनके हमशक्ल का इस्तेमाल किया जाएगा। कमाल अमरोही को मीना कुमारी की वो हमशक्ल भी मिल गई, पद्मा खन्ना, जो बाद में भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। पद्मा खन्ना को लाने के बाद फिल्म के उन हिस्सों की शूटिंग शुरू हुई जिसमें थकाने वाले सीन थे। गानों के लॉन्ग शॉट में पद्मा खन्ना का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई बार कमाल अमरोही पद्मा खन्ना को नसीहतें देते और मीना कुमारी दूर से ही मुस्कुराती, चलो मैं नहीं तो ना सही, मेरी सूरत को रिझा रही है उन्हें। तकरीबन 2 साल पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की शूटिंग चलती रही। इस दौरान मीना कुमारी की तबीयत कई बार बिगड़ी। इसी दौरान वो लंदन इलाज के लिए भी गई। डॉक्टर बार बार उन्हें शराब छोड़ने की नसीहत देते रहे, लेकिन मीना कुमारी ने इसे कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि अपने दादा मुनि यानी अशोक कुमार की भी बात नहीं सुनी।
अशोक कुमार की इज्जत वो तब से करती थी जब वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करती थी। शराब उनकी जिंदगी को खून की तरह खा चुका था। उनके लिए जिंदगी के कोई मायने नहीं रह गए थे। सेट पर कमाल अमरोही से बात भी होती तो सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर की हैसियत से। अपने अतीत को वो पूरे दिन तक नहीं चाहती थी। मेरे माजी, मेरे हमराज, मेरी जलती उदासी के शरीक, तेरी आहें, तेरे नासूर, तेरे दर्द तमाम, उनसे रिश्ता है मेरा, आज ये सब मेरे हैं। मीरा कुमारी का दर्द दिल ऐसे कई तमाम शेरों में बयां होता है जिसे अपनी तन्हाइयों के दौरान डायरी में दर्ज किया करती थी। मीरा की शायरी पढ़कर यकीन नहीं होता कि जो मीरा कुमारी दो क्लास के बाद स्कूल तक नहीं गई, उनकी शायरी में इतने सधे हुए अल्फाज और इतना गहरा एहसास कैसे झलकने लगा। ये शायद जिंदगी में मिले जख्मों का खामोश बयान था। ये नूर कैसा है राग का सरन पहने, बर्फ की लाश है लवी का सा बदन पहने। मीरा कुमारी लिखने के साथ गाती भी थी, गायकी की भी उन्होंने कोई तालीम नहीं ली। चांद तन्हा है, आसमान तन्हा। कभी किसी फिल्म के लिए नहीं गाया, वो तो बस अपनी तन्हा जिंदगी को सुरों में बांधने की कोशिश करती। जिंदगी के आखिरी दिनों में संगीतकार खयाम के साथ मिलकर उन्होंने एक एल्बम भी निकाली, आई राइट आई रिसाइट। इस एल्बम में शायरी के साथ आवाज में लिपटे दर्द की जुगलबंदी क्या खूब है। जिंदगी से मीरा कुमारी की बेरुखी ही थी कि उम्र के आखिरी दौर में जो भी मदद के लिए आया उसे उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटने दिया। पाकिजा बनने के दौरान ही मुसीबत के दिनों में साथ देने वाले सावन कुमार की फिल्म गोमती के किनारे अटकी पड़ी थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिए थे। सावन कुमार जब मीरा कुमारी से मदद मांगने गए तो उन्होंने फिल्म पूरी करने के लिए सांता क्रूज का अपना बंगला भी बेच दिया। मीरा कुमारी की मौत के बाद रिलीज हुई आखिरी फिल्म थी। मीरा कुमारी की जिंदगी में ये पहली कुर्बानी नहीं थी बल्कि ये अदर कुर्बानी उनकी जिंदगी में पैदाइश के साथ भुली हुई थी। एक अगस्त 1932 मुंबई के एक अस्पताल में जब मीरा कुमारी पैदा हुई तो पिता अली बख्श ने सिर पीट किया। पहली बीवी से एक बेटी पहले ही थी। तब साइलेंट फिल्मों का दौर ढलान पर था। फिल्मों में हारमोनियम बजाने वाले पिता अली बख्श के सामने रोजी रोटी के लाले पहले से ही बढ़ने लगे थे। प्रेगनेंसी के बाद अम्मी इकबाल बानो को भी फिल्मों में रोल मिलने बंद हो गए थे। तब घर में इतने पैसे न थे कि अस्पताल की फीस भरी जाए। अम्मी उधर जनान खाने में बेहोश थी, इधर पिता ने फूल सी कोमल बच्ची को यतीम खाने में छोड़ दिया। यूं ही रोते भी लगते। अभी ठीक से आंख भी ना खुली थी कि यतीम खाने में जिंदगी जार जार कर रो रही थी। तब इन आंसुओं ने उस नन्ही जान को जिंदगी बख्शी थी। यतीम खाने में बच्ची के रोने की कल्पना से ही अम्मी का दिल तड़प गया। उन्होंने अली बख्श को खूब कोसा, नन्ही सी जान के लिए 100 वास्ते दिए। तब जाकर अब्बा का दिल पसीजा, किसी से ले देकर फौरन पैसों का इंतजाम किया और बच्ची को घर ले आया। माँ के लिए तो मरी हुई बेटी जिंदा हो गई थी लेकिन पिता की नजरों में हमेशा खटकती रही। बेहद साधारण नाक नक्श, छोटी छोटी आंखें और सांवली रंगत वाली महसूस। पहली बार गोद में आई बेटी तो यही लफ्ज निकला माँ की जुबान से, ये तो महसूस। माँ की गोद मिली तो जैसे महजबीन को जिंदगी का खार पानी मिल गया। महजबीन बड़ी होने लगी जैसे कोई जंगली पौधा बढ़ता है बिना किसी देख रेख के। मुफलिसी के उसी दौर में एक बाल बानो ने एक और बेटी को जन्म दिया। नन्नी महजबीन को ये समझ नहीं आया कि उनसे छोटी बहन पर अब्बा क्यों दान छिड़कते हैं। क्या इसलिए कि वो गोरी है, उसके नाक नक्श उससे सुंदर है, लोग भी तो यही कहते थे। धीरे धीरे महजबीन के दिल में ये बात बैठने लगी कि वो सुंदर नहीं है। तब अब्बा भी कभी कभार कह देते, छोटी बिटिया तो हीरोइन बनेगी, पता नहीं काली महजबीन का क्या होगा। महजबीन को लगने लगा वो अपने पिता की गैर जरूरी औलाद है।
तब 6 साल की उम्र रही होगी महजबीन की। बड़ी बहन खुर्शीद को बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था। इसका भी दोष महजबीन के मध्य मढ़ा गया। लोगों ने कहा, जब से अपशगुनी पेट में आई है सारा काम चौपट हो गया, पता नहीं बड़ी होगी तो क्या होगा। महजबीन के साथ अम्मी को भी ये बात बुरी लगती। वो अली बख्श से कहती, इसे स्टूडियो ले जाकर तो देखो, कोई रोल जरूर मिलेगा। लेकिन अली बख्श कहते, इसमें तो अदाकारी नाम की कोई चीज ही नहीं, इसे कौन रोल देगा। एक दिन अली बख्श की मर्जी के खिलाफ वो डायरेक्टर विजय भट्ट के दफ्तर ले गई। ननी महजबीन की मासूमियत और खामोश आंखें देखकर विजय भट्ट ने अपनी फिल्म लेदर फेस के लिए चुन लिया और नाम दिया बेबी मीना। छह साल की बेबी मीना को दिल से ये काम पसंद नहीं था। दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी, खेलना कूदना चाहती थी। उसने ये बात अपनी अम्मी से भी कही, लेकिन अम्मी ने डांट कर चुप करा दिया। शायद वो जानती थी कि जब इसके आंसू पर्दे पर गिरेंगे तो सीखों की बरसात होगी। जब ये अपने दर्द को दिल में दबाए मुस्कुराएगी तो जमाने को दीवाना बना लेगी। और हुआ भी ऐसा ही। पहली फिल्म में बेबी मीना का काम इतना सराहा गया कि उसके पास काम की झड़ी लग गई। अब्बा अली बख्श दोनों बेटियों से ज्यादा बेबी मीना की तीमारदारी में जुड़ गए। 10 साल की उम्र तक बेबी मीना ने इतनी कमाई की कि परिवार खुली से निकलकर बंगले में पहुंच गया। बंगले का नाम रखा गया इकबाल मैंशन। बंगले के साथ परिवार का रुतबा भी बदल गया। अम्मी इकबाल मानो बेगम कहीं जाने लगी और अब्बा अली बख्श साहब पुकारे जाने लगे। परिवार का प्यार दुलार मिला तो बेबी मीना में भी गजब का निखार आया। जुबान ठीक करने के लिए घर में उर्दू टीचर आने लगे। शायद इसी उम्र में बेबी मीना के दिल में ये बात बैठ गई कि जमाने की हमदर्दी पानी हो तो अदाओं में मासूम दर्द पैदा करना पड़ता है। बारह साल की मीना अपने नाम की तरह ही खूबसूरत दिखने लगी। बादल सी काली जुल्फों से छापती छोटी मगर समंदर से गहरी आंखें, किसी की नजर में पड़ जाए तो हटने का नाम ना ले। ऐसी नशीली तबीयत का अंदाजा विजय भट्ट को भी नहीं रहा होगा कि मीना नाम का असर शख्सियत पर इतना होगा। इस हुस्न की पहली झलक जमाने ने तब देखी जब 1949 में फिल्म वीर घटोत्कच रिलीज हुई। इस फिल्म के जरिए बेबी मीना मीना कुमारी बन गई। पचास के दशक तक मीना कुमारी धार्मिक और अलादीन जैसी फैंटेसी फिल्में करती रही। इसी दौर में विजय भट्ट की नजर मीना कुमारी पर पड़ी। उन्होंने स्टूडियो बुलाया और उस दौर की चर्चित फिल्म बैजू बावरा के लिए साइन कर लिया। फिल्म के हीरो तब के मशहूर एक्टर भरत भूषण थे। बैजू बावरा साइन करते ही मीना कुमारी सुर्खियों में आ गई। अशोक कुमार भी उनकी अदाकारी से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म तमाशा में हीरोइन का रोल दे दिया। इसी दौरान मीना कुमारी की जिंदगी ने एक और करवट तब ली जब उनका सामना उस दौर के मशहूर राइटर और डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुआ। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को 7 साल की उम्र में देखा था जब वो फिल्म जेलर के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में उनके घर गए थे। लेकिन तमाशा के सेट पर 18 साल की मीना कुमारी को देखकर पहचान नहीं पाए। इस बार कमाल अमरोही अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म अनारकली के लिए हीरोइन की तलाश में थे। इसी सिलसिले में अशोक कुमार ने उन्हें मीना कुमारी को देखने के लिए बुलाया था। अमरोही साहब दूसरे दिन मीना कुमारी के जलवा अफरोज हुस्न के मुरीद हो गए सबके सामने। हालांकि उन्होंने मीना कुमारी के बाअदब सलाम का ठीक से जवाब भी नहीं दिया, लेकिन 2 दिन बाद फिल्म अनारकली का कॉन्ट्रैक्ट दुगनी रकम के साथ घर भिजवा दिया। कमाल अमरोही के उस अंदाजे इकरार ने जादू कर दिया। मीना कुमारी का दिल ख्वाबों के आसमान में उड़ने लगा। ये शायद बड़ी फिल्म मिलने के साथ मोहब्बत की अधूरी हसरत भी थी। तो कहीं न कहीं कमाल अमरोही की शख्सियत में पूरी हो रही थी। कमाल अमरोही हालांकि उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे, लेकिन पहली नजर की मोहब्बत में बेकाबू हुई धड़कने इतना होश कहाँ रहने देती है।
मीना कुमारी भी कमाल अमरोही के अनारकली बनने को बेताब हो गई, लेकिन ये शायद उन्हीं को मंजूर नहीं था। अपने परिवार के साथ महाबलेश्वर घूमने गए मीना कुमारी एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे से फिल्म तो रुक गई, लेकिन अमरोही से मोहब्बत और परवान चढ़ती गई। पूना के ससून अस्पताल में भर्ती मीना कुमारी की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों के पास उनका हाथ काटने के सिवा कोई चारा न था। यह खबर बंबई में आग की तरह फैली। फिल्म निर्माताओं ने मीना कुमारी को अपनी फिल्मों से बेदखल करना शुरू कर दिया। मीना कुमारी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी आंखों में अनारकली बनने के ख्वाब ही मुरझाने लगे थे। लेकिन एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और सारे तकलीफ के ख्याल बदल गए। अस्पताल में उनके कमरे के दरवाजे पर फूल लिए कमाल अमरोही खड़े थे। महकते रंग भरे हो गए दिन रात मेरे, मेरे मोहसिन, तेरी खुशबू तेरी चाहत के तुफैल। मीना कुमारी जब तक पूना के अस्पताल में रही, कमाल अमरोही हर शनिवार उनसे मिलने मुंबई से पूना आते, लेकिन कमाल की मोहब्बत पर अब भी यकीन न होता था। बैजू बावरा की शूटिंग के दौरान जो भरत भूषण उनके इतने करीब आ गए थे, वही भरत भूषण जख्मी होने के बाद मीना को देखने तक नहीं आए। मीना कुमारी कमाल साहब से अक्सर पूछती, फिल्म अनारकली की हीरोइन किसी और को तो नहीं बनाओगे? लेकिन उस दिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी का हाथ थामा और उस पर लिख दिया, मेरी अनारकली। वो शायद कमाल अमरोही की मोहब्बत और संजीदगी का असर था कि मीना कुमारी के जख्मी हाथों में हलचल शुरू हो गई। फिर भी छोटी अंगुली काटे जाने के बाद मीना कुमारी बहुत दुखी हुई। इस वक्त कमाल अमरोही ही थे जो उन्हें संभाल सकते थे, वरना उन्होंने दवाइयां खानी और जूस पीना तक बंद कर दिया था। अस्पताल में छुट्टी मिलने तक आलम यह हो गया कि दोनों के लिए एक दिन दूर रहना मुश्किल हो गया। लेकिन कमाल के साथ रिश्तों की राह पर चलना आसान नहीं था। कमाल अमरोही शादीशुदा थे, उनकी पत्नी और तीन बच्चे अमरोहा में थे। इधर मीना कुमारी के पिता अली बख्श बेटियों के मामले में सख्त नजर पहले से ही थे। वो तीन बच्चों के बाप से अपनी शादी के लिए कतई रजामंद नहीं होते। सच ये भी था कि घर की इकलौती कमाऊ बेटी शादी कर लेती तो राशन पानी ही बंद हो जाता, लेकिन मोहब्बत में बेताब धड़कनों के लिए ऐसी बंदिशें बेमानी थी। एक दिन कमाल अमरोही ने अपने घर पर काजी बुलवाया और मीना कुमारी के साथ निकाह पढ़ लिया। इसकी गवाह बनी मीना कुमारी की छोटी बहन मधु और कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली। अली बख्श को इसकी खबर तक नहीं लगने दी गई। हया से टूट के आह कांपती बरसात आई, आज इकरार जुर्म कर ही ले वो रात आई। 1952 के इस दौर में मीना कुमारी को जिंदगी में पहली बार इस कदर प्यार मिला था। कमाल साहब मीना कुमारी को प्यार से मंजू कहते और मीना कुमारी उन्हें चंदन कहकर बुलाती। इसी साल बैजू बावरा भी सुपरहिट हो गई। इसके लिए मीना कुमारी को पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला। तब तक कमाल अमरोही की अनारकली पर काम बंद हो चुका था, फिर भी कोई गम न था, मीना कुमारी स्टार बन चुकी थी। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के लिए दायरा नाम की नई फिल्म लिखनी शुरू कर दी। बैजू बावरा के बाद मीना कुमारी का मेहनताना 15,000 से सीधे 1,00,000 हो गया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, भरत भूषण, प्रदीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार मीना कुमारी के नाम की सिफारिशें करते थे। इस दौर में कमाल अमरोही दायरा की तैयारी में दिन रात जुटे थे, लेकिन मीना कुमारी का दिल कामयाबी का जश्न मनाने पर आमादा था। कमाल अमरोही इस जश्न में तहे दिल से शरीक नहीं हो पाते। आखिर अपनी बेगम को मोहब्बत में तड़पता छोड़ दायरा की स्क्रिप्ट लिखने महाबलेश्वर चले गए कमाल अमरोही।
डायरा की स्क्रिप्ट उनके और कमाल के बीच दूरियों की वजह बन चुकी थी और सेक्रेटरी बाकर अली एक तंग दिल पहलेदार। कोई नहीं था मीना कुमारी की तन्हाइयों को समझने वाला। इसी दौरान भरत भूषण से मीना कुमारी की नजदीकियों की खबर उड़ी। नमक मिर्च से सनी हुई ये बात कमाल अमरोही तक पहुंची। इस दौरान वो बंबई आए तो मीना कुमारी को सख्त ताकीद कर गए भरत भूषण से ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाए। इस बात से इतनी नाराज हुई मीना कुमारी कि कमाल साहब से कई दिनों तक बातचीत बंद रही। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की मोहब्बत में दरार पड़ चुकी थी, लेकिन ज्यादती जमाने की भी कम नहीं थी। जो लोग मीना कुमारी से ये कहते कि कमाल का मन आपसे उब गया है, वरना स्क्रिप्ट तो बंबई में रहकर भी लिखी जा सकती है, वही लोग कमाल अमरोही से कहते कि आपकी बेगम आपसे दूरियों का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है। लेकिन मीना कुमारी हर सवाल का माकूल जवाब देना चाहती थी। महबूब खान की फिल्म अमर में काम करने को लेकर मीना कुमारी की अपने पिता से कहा सुनी हुई। अली बख्श ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दिलीप कुमार जैसे हीरो के साथ फिल्म छोड़े। पिता की बदजुबानी पर वो घर छोड़ कमाल अमरोही के यहाँ रहने चली गई। कमाल अमरोही महाबलेश्वर से मुंबई आए तो मीना को अपने बंगले में देख दंग रह गए। मीना कुमारी ने बताया कि उनके लिए वो दिलीप कुमार जैसे स्टार की फिल्म और अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई हैं। वो रात मीना कुमारी की जिंदगी में सबसे हसीन रात थी। लगा जैसे उनका खोया हुआ प्यार मिल गया। इसी खुशमिजाजी के साथ दायरा की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन मीना कुमारी की खुशियों को दायरे किसकी नजर लग गई। जिस फिल्म को कमाल अमरोही मिसाल बनाना चाहते थे वो 1953 में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पेट गई और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा मीना कुमारी को। मीना कुमारी ऐसी नाकामियों को भुलाकर आगे बढ़ जाने वाली शख्सियत थी, लेकिन कमाल अमरोही दायरा की नाकामी से उभर नहीं पाए। 1953 में उन्होंने पाकिस्तान की कहानी पर काम करना शुरू कर दिया और स्क्रिप्ट लिखने महाबलेश्वर चले गए। मीना कुमारी फिर तन्हा हो गई और ऊपर से सेक्रेटरी बाकर अली की डुगली। उनकी शूटिंग के दौरान कौन उनकी मेकअप रूम में जाता है, वो किनसे बात करती है, हर बार बाकर अली कमाल अमरोही तक पहुंचाता था। ऐसी बातों से नाराज कमाल अमरोही मीना कुमारी के जन्मदिन पर भी घर नहीं आए। मायूस मीना कुमारी का बर्थडे अगले दिन फिल्म के सेट पर उनके हीरो प्रदीप कुमार ने सेलिब्रेट किए। इसके बाद प्रदीप कुमार बड़ी जिद करके उन्हें अपनी नई कार में घुमाने ले गए। बस यही खबर कमाल अमरोही के कान में पड़नी थी, मीना कुमारी की जिंदगी में दर्द का समंदर टूट पड़ा। शादीशुदा जिंदगी में तमाम तलखियों के बावजूद मीना कुमारी का किरदार पर्दे पर निखरता रहा। 1954 में इल्जाम, 1955 में बंदिश और आजाद, 1956 में शतरंज और एक ही रास्ता, 1957 में मिस मैरी के किरदारों ने मीना कुमारी को कामयाब अदाकाराओं की कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन असल जिंदगी में आजादी इतनी भी नहीं कि वो माँ बनने का फैसला भी कर सके। मीना कुमारी को बच्चों से बेहद प्यार था, ये बात बाद में कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने भी मानी। लेकिन पति कमाल अमरोही मीना कुमारी से कोई औलाद नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि कमाल अमरोही के हुक्म पर ही मीना कुमारी को दो बार अबॉर्शन कराना पड़ा। दूसरी बार 5 महीने की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन ने मीना कुमारी को जिस्म के साथ ऐसी रूहानी दर्द दी कि वो महीनों तक घर में पड़ी रही अकेली और उदास। काम पर दोबारा लौटी तो सेक्रेटरी बाकर अली की चुगलियों ने जीना मुहाल कर दिया। बाकर अली की बातों पर यकीन कर कमाल अमरोही मीना कुमारी से दिन भर की मसरूफियत का हिसाब किताब करते। एक दिन उन्होंने पूछा, मेकअप रूम में आप 2-2 घंटे किससे बात करती हैं? तो मीना कुमारी का जवाब भी उतना ही सख्त था, जो आपको ऐसी खबर देते हैं वो नाम नहीं बताते। इसके अगले दिन कहा जाता है कि मीना कुमारी जब सेट पर पहुंची तो उनके शरीर पर हंटर के जख्म साफ देखे गए। शायद मीना कुमारी की जिंदगी का यही दर्द साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू के किरदार में छलका। जिस तरह छोटी बहू अपने पति का प्यार पाने के लिए हर जतन करती है,
खून सहती हैं, यहाँ तक शराब पीने से भी गुरेज नहीं करती। वैसा ही हाल मीना कुमारी का असल जिंदगी में था। वो हर सितम सहकर भी कमाल अमरोही के साथ रहना चाहती थी, लेकिन एक दिन वो हद भी टूट गई। 1959 के आखिरी दिनों की बात है। मीना कुमारी उस दौर की उभरते गीतकार गुलजार की बेहद कदर करती थी, लेकिन सेक्रेटरी बाकर अली ने सिर पर उनसे मिलने आए गुलजार के साथ गाली गलौज और मारपीट कर दी। विरोध करने पर बाकर अली ने सबके सामने मीना कुमारी को भी चाटा रसीद कर दिया। मीना कुमारी ने उसी दिन ऐलान कर दिया, अब कमाल के घर कभी नहीं जाऊंगा। कमाल अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी अपनी बहन और मशहूर कॉमेडियन महमूद की पत्नी खुर्शीदा के घर चली गई। पीछे पीछे कमाल अमरोही भी आए, लेकिन मीना कुमारी इस बार किसी समझौते के मूड पर नहीं थी। कमाल अमरोही ने ये दलील दी कि आपका झगड़ा तो बाकर अली से है, मेरा कसूर क्या है? तो बंद दरवाजे के पीछे से मीना कुमारी ने कहा, अगर आपकी शह नहीं होती तो आपकी बेगम पर हाथ उठाने की हिम्मत सेक्रेटरी ने ना की होती। कमाल अमरोही उल्टे पांव लौट आए। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थी, मीना कुमारी को सेक्रेटरी बाकर अली से जान का खतरा। मीना कुमारी के अरब होने के बाद पाकिजा पर काम रुक गया। पाकिजा पूरी करने का ख्वाब मीना कुमारी ने भी देखा था, लेकिन जहां जिंदगी ही जहन्नुम बन चुकी हो वो अपने किरदार की पाकिजगी कैसे बरकरार रखती। उनके करीबियों की माने तो मीना कुमारी के दिल में अब भी कमाल अमरोही के लिए मोहब्बत थी, लेकिन मीना कुमारी के सामने मसला था अपनी वजूद बचाने का। इसकी खातिर उन्होंने अलग रहने का फैसला किया, लेकिन यहाँ तन्हाइयां रातों की नींद हराम करने लगी। फिल्म साहेब बीवी और गुलाम की छोटी बहू की तरह मीना कुमारी ने भी खुद को शराब के हवाले कर दिया। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है। बस पर मेरी एक सुहानी याद फिर करवट बदल रही है। मीना कुमारी की जिंदगी का यही वो दौर था जब अदाकारी के साथ उनका रुझान शेर शायरी की तरफ बढ़ा। मुझे आज भी बार बार धस रहा है, हालांकि खानदानी तौर पर हिंदी या उर्दू अदब से कोई नाता नहीं था। क्या है मीना कुमारी खुद भी कम पढ़ी लिखी थी। वो अपनी नानी हेम सुंदरी के जरूर करीब थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर परिवार की बहू थी। मीना कुमारी इन्हीं से अपना दर्द बांटा करती। शायद इन्हीं की नसीहतों का असर है मीना कुमारी के बिखरे हुए अल्फाज डायरी के पन्नों पर सधने लगे। कई लोगों की नजर में उनकी शायरी में गुलजार साहब का अंदाज भी साफ दिखाई देता है। जिंदगी आग से टपका हुआ बेरंग कतरा, तेरे दामन की पनाह पाता तो आंसू होता। 1962 में साहेब बीवी और गुलाम की रिलीज होने के बाद मीना कुमारी का रुतबा और भी बढ़ गया। गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी ने अपनी मर्जी से साइन की थी। इसकी कामयाबी ने यह जता दिया कि वो अपने दम पर भी करियर संवार सकती है, लेकिन ये बात कमाल अमरोही को अब भी हजम नहीं होती। वो मीना कुमारी के करीबियों से कहते कि मीना अपना करियर गलत हाथों में सौंप रही है। उनकी सितारा हैसियत का मनमाना इस्तेमाल करने के लिए लोग दोनों के रिश्तों में जहर घोल रहे हैं, लेकिन मीना कुमारी फिल्म दर फिल्म अपनी काबिलियत साबित करती गई। फिल्म दर फिल्म मिलती कामयाबियों से मीना कुमारी का रंजो गम कम होने लगा था। 1964 के शुरू में उन्होंने अपनी पति की फिल्म पाकिजा की दोबारा शूटिंग के लिए रजामंदी ले ली, लेकिन शराब की लत और अपने साथी हीरो के साथ लगातार नाम जुड़ने की वजह से मीना कुमारी के लिए जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। यहाँ तक कि फिल्म काजल की शूटिंग के दौरान उनका नाम धर्मेंद्र जैसे न्यूकमर के साथ जोड़ा जाने लगा। मीना कुमारी की बहन मधु के मुताबिक धर्मेंद्र से मीना का वास्ता सिर्फ उनकी सीधी सारी शख्सियत की वजह से था। इस फिल्म में शानदार रोल के लिए मीना कुमारी को चौथी बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। धर्मेंद्र के साथ कामयाबी की वजह से दो और फिल्में साइन की मीना कुमारी ने, फूल और पत्थर और चंदन का पालना।
बुलबुल। धर्मेंद्र की सोहबत से शायद उस हमदर्दी की तलब पूरी हो रही थी जिसकी तलाश मीना कुमारी को बचपन से थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र से दोस्ती के दौरान ही मीना कुमारी ने अपने घर से शराब की सारी बोतलें फेंक दी थी, लेकिन मार्च 1964 में कमाल अमरोही ने उन्हें तलाक दे दिया। इस गम में मीना कुमारी पूरी तरह टूट गई। शराब की बोतलें फिर खुलने लगी और उनका दर्द चलकर शायरी में उतरने लगा। तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेहर के साथ। मीना कुमारी आपसी गलत फहमियों से तंग आकर कमाल अमरोही से अलग रह रही थी। उन्हें शायद इंतजार था कि जिसके लिए उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा उसके दिल में कभी तो सच्ची मोहब्बत की लहर उठेगी। तलाक का ख्याल तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार भी मानते हैं कि मीना कुमारी दूर रहकर भी कमाल अमरोही को भूल नहीं पाए और उन्हीं से जुदाई के गम में खुद को शराब में डुबो दिया। पति से तलाक के बाद मीना कुमारी ने अपनी बहन का घर भी छोड़ दिया और सांद्रा क्रूज में जानकी कुटीर नाम का बंगला खरीद लिया। मीना कुमारी को यह बाद में पता चला कि जिस जानकी कुटीर को उन्होंने खरीदा था उसमें कभी महात्मा गांधी रहा करते थे। ये जानने के बाद मीना कुमारी बंगले में हर शाम गांधी भजन कराती। कुछ दिनों में उनकी दोनों बहनें मधु और खुर्शीद भी वहां आ गए। महमूद से तलाक के बाद मीना कुमारी ने खुर्शीद को अपने घर बुला लिया था। अब मीना कुमारी के लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी। बहनों और उनके बच्चों के साथ मीना कुमारी का वक्त आसानी से कट जाता, लेकिन अक्सर उन्हें कमाल अमरोही के बेटे ताजदार की याद सताती। कमाल अमरोही से उनका रिश्ता भले ही टूट चुका था लेकिन वो ताजदार से हमेशा मिलती रही। तलाक के बाद भी मीना कुमारी खुद को कभी भी अमरोही परिवार से अलग नहीं कर पाई। मीना कुमारी कमाल अमरोही की दूसरी बेगम जरूर थी लेकिन उन्होंने पूरे अमरोही परिवार का दिल जीत लिया था। शादी के फौरन बाद जब कमाल अमरोही के चाचा ऑपरेशन के लिए मुंबई आए थे तो मीना कुमारी ने अपनी शूटिंग छोड़ उनकी देखभाल की। अमरोहा लौटने के बाद चाचा ने सबसे कहा, इतनी सेवा तो अपनी बेटी भी नहीं करती। इसके बाद अमरोही परिवार ने मीना कुमारी को बतौर बहू कबूल कर लिया। 1956 में मीना कुमारी खुद भी अमरोहा आई और कमाल अमरोही की बेगम से मिली, लेकिन तलाक के बाद ये सारी मोहब्बतें मीना कुमारी के दिल में नासूर की तरह चुभने लगी थी। मीना कुमारी से अलग होने के बाद कमाल अमरोही भी सुकून से न थे। पाकिजा की शूटिंग बीच में ही रुक चुकी थी। प्रोड्यूसर्स उनकी किसी भी अगली फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। उस दौर में पाकिजा पर 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे जिसमें से 43 लाख रुपए तो मीना कुमारी के ही थे। लेकिन तलाक के बाद मीना कुमारी से रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ चुकी थी कि इसे कम करना मुश्किल था। दूसरी चिंता थी मीना कुमारी की लगातार बिगड़ती सेहत। लगातार शराब पीने की वजह से मीना कुमारी को लिवर कैंसर हो चुका था। कहा जाता है कि लिवर कैंसर की बात मीना कुमारी की बहनों ने जानबूझकर छुपाई थी, शायद इसलिए कि इस खबर से उनकी कमाऊ बहन का करियर चौपट हो जाता। मीना कुमारी को तो खैर इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये बात जब अशोक कुमार को पता चली तो वो मीना कुमारी से मिलने गए। अशोक कुमार खुद भी होम्योपैथी के डॉक्टर थे। उन्होंने मीना कुमारी से शराब छोड़ दवा शुरू करने के 100 वास्ते दिए, लेकिन मीना सिर्फ सिर झुकाकर सुनती रही। दादा मुनि की मीठी बातों से मन कुछ पल के लिए हल्का जरूर हुआ, लेकिन जिंदगी की रुसवाइयां भी तो कम न थी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। 1967 बहू बेगम और बहारों की मंजिल की कामयाबी का जश्न मना रहा था। इधर लिवर कैंसर की वजह से मीना कुमारी का जीना मुहाल हो चुका था। उनकी वजह से प्रोड्यूसर्स पर रुपयों की बरसात हो रही थी, लेकिन असल जिंदगी में वो अपने वजूद के साथ अकेली खड़ी थी। इसी दौरान कुछ करीबियों की मदद से उन्होंने कमाल अमरोही को फोन किया। कहा जाता है कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से दोबारा शादी की,
लेकिन उस बंगले में मीना कुमारी को नहीं ले जा पाए जहाँ जवानी के दिन गुजरे थे। खुद कमाल अमरोही ने कहा था, मीना की खराब तबीयत को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मेरे घर ना ही रहे तो अच्छा होगा। खामखा की पुरानी यादें ताजा होती जो उनकी तबीयत के लिए ठीक नहीं थी। मीना कुमारी की जिन अदाओं पर नोटों की बरसात हुआ करती थी, आखिरी दिनों में वो भरपेट खाने को भी मोहताज हो चुकी थी। साहेब बीवी और गुलाम के डायरेक्टर अबरार अली के मुताबिक, पति और रिश्तेदारों से लूटने के बाद मीना कुमारी की बहन और भांजे भी हमेशा रुपए ऐंठने के चक्कर में लगे रहते थे। मीना कुमारी को घर का बचा कुचा खाना ही नसीब होता था। हुआ क्या? कई बार वो अलवी साहब के घर आकर उनकी पत्नी से खाना मांगती। यही नहीं, उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं बचे थे। ऐसी मुफलिसी और ऊपर से शराब की लत, मीना कुमारी हर पल मौत के करीब पहुंचने लगी। ये कैसा नूर है, राग का रंग पहने बर्फ की लाश है, लावे का लिबास ओढ़े गूंगी चाहत है, रुसवाई का कफन पहने। मीना कुमारी के मन में इस नज़्म का ख्याल शायद साहिब जान के किरदार को देखकर आया था। अदाकारी के साथ उन्होंने साहिब जान की ड्रेस भी खुद डिजाइन की थी, लेकिन शायद उन्हें अपनी मौत का अंदाजा हो चुका था। इसी दौरान कमाल अमरोही बीमार पड़े तो मीना कुमारी उन्हें देखने बंगले तक गई, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके बेटे शानदार अमरोही के मुताबिक, मीना कुमारी ने उन्हें बालकनी में बुलाकर हालचाल पूछा और जाते जाते ये नसीहत दे गई, अपने अब्बास से कहना अब कोई फिल्म न बनाए। अमरोही परिवार के मुताबिक पाकिजा की शूटिंग के दौरान ही मीना कुमारी को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी जिंदगी में उनके करीबी लोगों ने अपने फायदे के लिए जहर घोला था। ये बात मीना कुमारी ने नरगिस और मधुबाला जैसी सहेलियों से भी कही थी। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को इस बात का भी अफसोस खाया जा रहा था कि अपने दोस्त और हमदर्द गुलजार की फिल्म मेरे अपने की शूटिंग नहीं कर पा रही है। मेरे अपने बतौर डायरेक्टर गुलजार की पहली फिल्म थी, इससे उनका करियर दांव पर लगा था। बीमारी की हालत में ही मीना कुमारी ने फिल्म के कुछ जरूरी सीन शूट किए। उसी दौरान उन्होंने अपनी 250 डायरियां गुलजार को सौंप दी। ये शायद मीना कुमारी की तरफ से अधूरी फिल्म का पूरा नजराना था। March 29, 1972 पाकिजा को रिलीज हुए महीने भर से ज्यादा हो गए थे। मीना कुमारी को तारीफें खूब मिल रही थी, फिल्म कमाई भी खूब कर रही थी, लेकिन अब तक मीना कुमारी के लिए ये सब कुछ बीमारी हो चुका था। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल से ही उन्होंने कमाल अमरोही को फोन कर कहा, चंदन अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकती, अब एक ही ख्वाहिश है, मेरा दम निकले तो तुम मुझे अपनी बाहों में थामे रहना। दो दिन बाद ही 31 मार्च को मीना कुमारी ने दम तोड़ दिया। इस मतलबी दुनिया को छोड़ हमेशा के लिए चली गई मीना कुमारी। मीना कुमारी ने मरने से पहले अपने हर रिश्ते का हिसाब किताब कर दिया था। मीना कुमारी सुन्नी समुदाय से थी, लेकिन अपनी वसीयत में ये लिख गई उन्हें एक शिया की तरह दफनाया जाए। बतौर कमाल अमरोही की पत्नी, कमाल की मोहब्बत में ये मीना की आखिरी कुर्बानी थी। जिसमें तन्हा है और जान।